हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं फिर से आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ। अगर आपके बाल छोटे हैं, यहाँ तक हैं, शोल्डर लेंथ है या फिर मेरे जितने छोटे हैं, तो आपको किस तरीके से हेयर स्टाइल करना है सब कुछ वीडियो बताने वाली हूँ। चैनल पर नया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, जल्दी से हेयर स्टाइल को स्टार्ट करेंगे। एंड आने वाला है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन पर आप ये सारी हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। आज का जो हेयर स्टाइल बता रही हूँ, तो तीन बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइल बताऊंगी, जो आपको जो अच्छा लगे वो आप अपने हेयर पे कर सकते हैं। छोटे हैं तो भी अच्छे लगेंगे एंड लंबे हैं तो भी अच्छे लगेंगे। एंड सबसे अच्छी बात क्या, खुद से कर सकते हो, किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे बाल यहाँ तक हैं और काफ़ी डर हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, आप स्पा कर लो। स्पा करने के लिए मैंने बताया था वीडियो, तो जैसे फर्स्ट हेयर स्टाइल है उसके लिए आपको एक थोड़ी सी स्टफी चाहिए, और नहीं है तो आप ऐसे भी पफ बना सकते हो। उसके लिए मैंने यहाँ से थोड़े से हेयर को अपने उठाया है, जो ये स्टफी है इसको आपको यहाँ पे रखना है एकदम सेंटर में। इन बालों को ऊपर भी करके ऐसे डाल देंगे, क्योंकि चिपका दोगे तो ऐसा नहीं है कि बाल आपके दिखेंगे। देखिए पफ भी बन गया एंड बाल भी एक के ऊपर से पफ के ऊपर से चिपके हुए हैं। अब आपको थोड़ा सा हेयर लेना है ऐसे साइड में घूम जाती हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखे। सिंपली चोटी बनानी है, फ्रेंच यहाँ पे आपको कोई भी वगैरह यूज नहीं करना है। और थोड़े थोड़े दोनों साइड से लेयर लेके इसके साथ ऐड करते जाना है। काफ़ी प्यारा सा हेयर स्टाइल है, छोटे बालों के लिए बेस्ट रहेगा, तो आप छोटे बालों में ये ट्राई कर सकते हो। उसी तरीके से आपको भी करना है, जैसे नए करती हूँ आपको हाफ हेयर में आपको करना है, क्योंकि आपके बाल छोटे हैं तो आप पूरा नीचे तक नहीं लेके जा सकते हो। और लंबे भी हैं तो भी काफी प्यारे लगने वाली है ये हेयर स्टाइल। मैं यहीं पे रोक रही हूँ, आप देख लीजिए आपको कहाँ तक ये ब्लाइड लेके जानी है, जो भी हो। और इसको धूप लेना है, क्योंकि थोड़ा सा धूपने के बाद से अपने हेयर से मैच होता हुआ एक रबड़ बैंड ले लीजिएगा और लगा दीजिएगा। इस तरीके से मैं करने की, ताकि जो मेरे नीचे का हेयर है वो अपनी अपनी ऊपर वाली चोटी में ना आ जाए। और दैट्स इट, तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया रक्षाबंधन के लिए। काफ़ी प्यारा लगेगा, बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सेकेंड हेयर स्टाइल हम सेंटर पार्टीशन करेंगे वालों की। आपको चोटी बनानी है, आपको वेट की मदद से उनकी सेट कर देना है। आगे एक लेयर और लेंगे, इस बार आपको चोटी नहीं बनानी, कंप्लीट ट्विस्ट करना है, अच्छे से टाइटली ट्विस्ट करना है। और जो आपने क्लिप लगाई है बस उसके ऊपर ही रख देना है। और एक और क्लिप लेके पतला वाला क्लिप ले लीजिएगा बॉडी क्लिप, और उसके ऊपर लगा दीजिए। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी टाइप करना है।
यहाँ पे हेयर को लेंगे टाइटली 20 ग्राम में स्टार्ट करेंगे। कितना लंबा आपको लेके जाना है वो आपकी चॉइस है, कहाँ तक आपको ये चोटी को लेके जाना है। तो मैं ना फ्रेम में होती हूँ और यहाँ पे क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर देंगे। अगेन दूसरा लेयर लेंगे एंड ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्टिंग बड़ी तो टाइटली रखनी है ताकि जो आपकी चोटी है वो प्रॉपर दिखाई दे। और फिर एक क्लिप लेंगे पतला वाला और लगा। और ये काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप अच्छा बिल्डिंग पे करते हो तो काफ़ी प्यारा लगेगा। साड़ी के लिए सूट के लिए बेस्ट है, जो भी लड़का पहनेंगे उसके अच्छा लगेगा ये। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल होगा। एंड थर्ड में आपको क्या करना है, फ्रंट से आप ऐसे ही रखो, आपको लेयर्स निकालनी है तो आप पहले निकाल लीजिएगा क्योंकि बाद में निकालोगे तो हो सकता है कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो ख़राब हो जाए। क्योंकि आप सारे बालों को एक कोनी बना लेंगे। कोनी बनाते ही डबल बैंड लगाएंगे। अगर आपको कोनी रखनी है तो सिंपली थोड़ा सा हेयर कट रखनी है, डबल बैंड के चारों तरफ लपेट दीजिएगा। अच्छे से हाइट हो जाए, एक टिक टैक क्लिप या फिर बॉबी क्लिप जो भी क्लिप है वो क्लिप लेके नीचे में आपको लगा दीजिए। और ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो जाएगा जो कि काफ़ी स्टाइलिश एंड प्यारा लगेगा। आप गर्ल्स हो तो भी अच्छा लगेगा एंड आप वूमेन हो अपने साड़ी वगैरह डालिए शादी से लगाओ तो भी ये वाला हेयर स्टाइल काफ़ी स्टाइलिश और खूबसूरत लगेगा। तो ये हो गया तीसरा हेयर स्टाइल। अगर आपको बन बनाना है तो आप इसमें बन भी बना सकते हो। वैसे हेयर स्टाइल में मैं बन बना के दिखा देती हूँ। तो उसके लिए आप एक डोनट बन लेना। अगर आपके बाल पतले हल्के हैं छोटे हैं तो आपको डोनट बन की जरूरत पड़ सकती है। डोनट बन ले रहे हैं ड्रेस के साथ जाएंगे साड़ी के साथ। ये वाला मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट रहेगा तो आप ट्राई कर लेना ये वाला भी। अगर आप चाहो तो किसी की हेल्प भी ले सकते हो और खुद से बना लो तो बेस्ट है।
सेल्फ हमेशा बेस्ट होता है, किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, सेल्फ डिपेंडेंट भी बनना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, इसी तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग एंड ईजी एंड ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आते रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।